कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर रही, जहां उन्होंने कुमरदा में एक जनसभा को संबोधित किया। डोंगरगांव विकासखंड के कुमरदा में कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी ने जनसभा ली, जहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर आदिवासियों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी गरीब आदिवासियों की जल जंगल जमीन को छीन लेना चाहती है। प्रियंका ने बीजेपी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार संविधान बदलकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी को कमजोर करना चाहती है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की घोषणा पत्र को भी आम जनता के सामने रखा। जनसभा के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने भी राजनांदगांव लोकसभा प्रत्याशी भूपेश बघेल को विजय दिलाने के लिए अपील की। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है, आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म, जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद कार्रवाई बंद। पता चला कि ऐसी कंपनियों से चंदा लिया जिनका मुनाफा कम था, चंदा ज्यादा दे रही हैं। नेता क्या कह रहे हैं आपने खुद सुन लिया, इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका, कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए, यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। 26 तारीख को देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, सोच समझ के हमें अपने मत का प्रयोग करना है। अभी विस्तार से आपको भूपेश जी और प्रियंका जी बताएंगे, लेकिन मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, देश भर में आज बदलाव की लहर है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर जनता जवाब मांग रही है, और कितना विधि की विडंबना है, 10 साल जो सत्ता में रहे अब 5 साल और की गुहार कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए तो 15 साल, और जो नौजवान बच्चे फौज में भर्ती होना चाहते हैं अग्निवीर की स्कीम लगाकर, उनको दे रहे हैं 4 साल, खुद के लिए 15 साल, नौजवानों के लिए फौज में 4 साल, और अब बात करते हैं 2047 की। 10 साल में आपने किसान के लिए, मजदूर के लिए, नौजवान के लिए, महिला के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित के लिए, आदिवासी के लिए क्या किया, वो आंकड़े देने को तैयार नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।
इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।